गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शशि सरोजन फैमिली पर स्वागत है। और आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी डिश लेकर के जो हर जगह ही बनती है, भले ही इसके नाम थोड़े अलग होते हैं और तरीके भी थोड़े अलग होते हैं, पर ये लगभग सभी जगहों में ही बनते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ, आज मेरे रात के खाने में है पीठा, और मैं उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखिए, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए मैं दिखा रही हूँ, आप लोग बने रहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ लिया है चावल का आटा और यहाँ मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए। तो पानी गर्म हो चुका है अच्छे से, इसमें बॉयल आ चुके हैं। तो अब मैं इसमें इसको डालूँगी आटे को, और इस आटे को डाल के मैं कुछ देर के लिए ढक दूंगी गैस ऑफ करके, बस 5 से 7 मिनट तक। और इधर मैंने ये चना का दाल भिंगा के पीस लिया है, और इसमें मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। और दाल जब भी पीसे तो बहुत ही कम पानी यूज करें यहाँ पे, क्योंकि इससे फिर फिलिंग करने में प्रॉब्लम होती है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा साबुत जीरा और लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और उसके बाद इसे जब मैं आटा लगा लूँगी पूरी तरह से अच्छे से, तब मैं उसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक ऐड करने से पानी फिर से उससे निकलने लगते हैं, तो फिर प्रॉब्लम होता है फिल करने में। और देखिए, मैं यहाँ आटा मिक्स कर रही हूँ, अभी थोड़े गर्म है, जब हल्के ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसमें हल्का पानी डाल डाल के इस तरह से हाथों से मसलते हुए इसे लगा लूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं फिर इसे, देखिए मैं इधर पानी रख दी हूँ एक पतीले में गर्म होने के लिए, इस पर ही मैं बनाऊँगी। और इधर मैं आटा भी लगा रही हूँ, तो आटा अच्छे से इसे मतलब मिक्स बहुत अच्छे से करना होता है, तो अच्छे बनते हैं पीठे। और अभी इस पर मैंने जालीदार बर्तन रख दिया, और इस तरह से अभी मैं हाथ पे इस तरह से फैला के थोड़ा मतलब 2-4 मैं यहाँ पे इसी तरह प्लेन ही डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं दाल फिल करूँगी। तो मैं अपने तरीके दिखाऊँगी मैं किस तरह से दाल फिल करती हूँ इसके अंदर, आप लोग बने रहिए। एक बार में मैं इसमें डाल के कुछ देर के लिए ढक दूंगी, जब हल्के इसमें मतलब भाप आ जाएंगे, उसके बाद फिर से मैं दूसरा इस पर डालूंगी। तो अभी मैं इसे आपको दिखा रही हूँ किस तरह से फिल करना है। तो इसे हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा दबाना नहीं है, कुछ इस तरह से पूरी के साइज का बना के फिर इसमें ये जो मैंने दाल रखा है इसमें नमक ऐड करके बस इसको मैं डालूंगी। और चौकी और बेलन में हल्का घी लगा ली हूँ, और इस तरह से उसे बेल के फिर उस पर भरूँगी। देखिए, इस तरह से बेल लेना है, और इसमें दाल रख के इसमें इतना ही दाल देना है कि वो अच्छे से उसमें फिल होए, बाहर ना निकले, बस इस तरह से दबा के। और इधर मैं फिर उसे डाल दूंगी। तो मैं और एक तरीके दिखा रही हूँ आप लोगों से, मैं इस तरह से अपने हाथों में घी लगा के इसे हाथों में ही फैला लूँगी, और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से। और अब मैं इसमें उस प्रोसेस दाल भरने का एक ही है, बस मैंने इसे हाथ में फैला के दिखाया। इस तरह से मैं दाल के सारे पीठे भर के रख दूँगी। तो दाल के सारे पीठे को मैं इस तरह से ही भर के सारे डालूंगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं इसमें खोआ कैसे भरती हूँ। मैंने यहाँ खोआ पहले से बना के रखा है, चीनी और दूध जला करके, इसमें थोड़ा सा पाउडर दूध भी ऐड करी हूँ मैं। तो अब इस तरह से इसे देखिए कटोरी की तरह बना लेना है, उसके बाद हाथों से दबा करके इसके मुँह को अच्छे से बंद कर देना है, ताकि इससे खोआ जो गर्म होने के बाद पिघलने लगता है तो फिर निकले नहीं बाहर, कुछ इस तरह से। और मैं और एक तरीके आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसके शेप थोड़े अलग होंगे, तरीके एक ही हैं। तो इस तरह से मैं बनाऊँगी, ये देखिए
अभी मैं इस तरह से बना के इसमें फिर से फिल करूंगी ये खोआ और इसे गोल शेप दे दूंगी। इसके मुंह पूरे बंद करके बस ये देखिए हो गए। तो मैं इस तरह से ही सारे पीठे में एक साथ ही सारा पीठा इसमें डाल देती हूँ, एक बार भाप लगा लगा के फिर मैं सारे पीठे एक साथ ही डाल के उसके बाद 10 से 15 मिनट तक इसे कम आंच पे ढक के रख दूँगी और उसके बाद ये बन जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए इसका चेक करने का तरीका ये है कि ये इसके अंदर फूंक डालने से वो पूरा क्लीन निकलता है। और एक तरीका है कि ये ऊपर से ही देखिए ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं। तो ये दो तरीका है कि आप चेक कर सकते हैं कि पीठा अच्छे से पका है या नहीं। तो देखिए मेरे पीठे कितने अच्छे दिख रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी है, मेरे घर में सबको पसंद भी है, तो मैं ये बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैं पीठा कैसे बनाती हूँ और अभी मैंने इसमें दो चीज स्टफ करके दिखाया है, चने की दाल और खोआ। और भी चीज इसमें स्टफ किया जाता है, मेरी मम्मी बनाती है वो अलसी होते हैं ना, अलसी के बीज उसे भी भून कर कूट कर उसे गुड़ या चीनी उसमें मिक्स करके वो भी भरा जाता है इसमें, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और वो तो फायदेमंद होते भी हैं। शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं गुड़ डाल के या हल्का चीनी डाल के, और प्रेशर में भी फायदा होता है। तो आप अलसी डाल के भी बना सकते हैं और इसमें पोस्ता दाना पीस के भी भर सकते हैं, जैसे चने के दाल में लहसुन अदरक वगैरह डाल के उस तरह से। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये पसंद आएगी, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और मैं अब यहीं पे आप लोगों से ले रही हूँ विदाई, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।